हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवाड़ी आज आपके लिए ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 सारणिक पढ़ाऊंगा। सारणिक ये चैप्टर नंबर 4 है। मैंने आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अधिकांश स्टूडेंटों के कमेंट बॉक्स में थे कि आपको प्रश्नावली 4 स्टार्ट करें। कुछ एक के थे शायद प्रश्नावली 1 के, और अधिकांश के थे प्रश्नावली 4। तो मैंने प्रश्नावली 4 स्टार्ट कर दी है। जो सारणिक है, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो सारणिक आपने वैसे चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था, एक दिन ही मैट्रिक्स एक दिन ही पढ़ाई थी आपको। उसके बाद आपके कमेंट बॉक्स आ गए, सर हमारी मैट्रिक्स हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बताई थी कि बिना मैट्रिक्स के सारणिक क्या है, अधूरी है, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, ठीक है, तो अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं ये नहीं कहूँगा बुरी बात है, ये कहूँगा उसको देखें। तो जो मैट्रिक्स हैं, देखो मैं बहुत डीपली, मेरे सिद्धांत है कि जो मैं बेसिक बताता हूँ, ठीक है, वो बहुत डीपली कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं छोड़ता, ठीक है। अधिकांश कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोई भी चैप्टर में आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी बात है। तो देखते हैं मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आयताकार मैट्रिक्स और एक होती है वर्गाकार मैट्रिक्स। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया होगा। अब देखो आयताकार जो मैट्रिक्स है इसमें और वर्गाकार मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, और वर्गाकार मैट्रिक्स में पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अब जो हमारा ये मैट्रिक्स के ऑर्डर होता है वो होता है m गुना n। अर्थात क्या है m गुना n का मतलब है, यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है तो वर्गाकार है, और पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो आयताकार है। लेकिन सारणिक होती है, ये सारणिक ओनली वर्गाकार होती है। जो सारणिक हो, देखो मैट्रिक्स होती है आयताकार और वर्गाकार दोनों रूप में हो सकती है, लेकिन जो सारणिक है वो हमेशा कैसे होती है, वर्गाकार होती है। और वर्गाकार होती है इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो होता है n गुना n, अर्थात पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर होती है। सारणिक है वो एक संख्यात्मक मान है, सारणिक कैसा है, एक संख्यात्मक मान है। उन संख्यात्मक हमारा जो सारणिक है वो कैसा है, संख्यात्मक मान है, और सारणिक को हमेशा वर्ग मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाता है, अर्थात जो उनके अवयव हैं उनको वर्गाकार लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि जो सारणिक है वो वर्गाकार होती है और जो मैट्रिक्स है वो आयताकार व वर्गाकार दोनों रूप में हो सकती है। और इसका ऑर्डर m गुना n होता है, इसका ऑर्डर n गुना n होता है, ये समझ में आ गई होगी। n गुना n क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती है और बराबर भी नहीं हो सकती है, ठीक है, बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। नहीं हो सकती तो आयताकार है, और बराबर होती है तो वर्गाकार है, और सारणिक तो हमेशा वर्गाकार ही होती है। जो सारणिक है, जैसे हमारे आपने पढ़े होंगे 10th 12th क्लास में कि एक हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक है, समीकरण है a1x1 प्लस b1y1 बराबर c, a2x2 प्लस b2y2d। ये हमारे पास कोई अद्वितीय हल है, इसके इन दोनों समीकरण कैसे हैं, अद्वितीय हल है, अर्थात एक ही हल है, उसका हम क्या है सारणिक रूप में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, सारणिक रूप में। ये कोई बीजीय व्यंजक है, ये क्या है, कोई बीजीय व्यंजक है, तो इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, सारणिक के रूप में लिखते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सारणिक है एक संख्यात्मक मान होती है, ये हमेशा वर्गाकार फॉर्म में होती है, अर्थात इसका जो ऑर्डर है वो n गुना n होता है। इसमें जो अवयवों की संख्या है क्या होती है, n स्क्वायर होती है। इसमें जो अवयवों की संख्या कैसी होती है, n स्क्वायर होती है।
मैट्रिक्स में आयताकार वर्गाकार फॉर्म दोनों में हो सकता है, इसका ऑर्डर m गुना n होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंस था मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, देखो ये कुछ गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ही सभी नहीं कुछ ही, मैट्रिक्स के जो चिन्ह होते हैं या तो ये होंगे बड़ा, ठीक है, या ये होगा, और जो सारणिक है इसका जो सिंबल है या चिन्ह है ये हमेशा ये होते हैं। इसको हम मापांक नहीं कह सकते, ठीक है, कोई इसको मोड बोले कि मोड है या मापांक है। वैसे आपको पता होगा मापांक के अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं, जो मापांक है उसके अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं, उनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मैं लिख दूं आपको मापांक दो, इसका अर्थ है कि इसके अंदर माइनस दो और प्लस दोनों है। यदि मैं लिख दूं इसके अंदर माइनस सॉरी ए, तो इस ए का मतलब है इसके अंदर माइनस ए भी है और प्लस ए भी है, तो ये मापांक नहीं है, ये क्या है, सारणिक का चिन्ह है। या तो हम सारणिक को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने ए से प्रदर्शित कर दिया है, या हम लिख सकते हैं इसको सारणिक ए। अब है इसकी जो डेफिनेशन है उनको बता देता हूं थोड़ा। जो सारणिक है उनके चिन्हों का ध्यान रखना है, मैट्रिक्स और सारणिकों का। जो इसकी जो परिभाषा है, वैसे मैंने आपको बताया था कभी भी रटाऊंगा नहीं, कोई भी हो डेफिनेशन हो फॉर्मूले हो बताऊंगा कहां से आए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि सारणिक है ये किससे संबंधित है, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित है, और सारणिक क्या है, संख्यात्मक मान है। तो बस यही परिभाषा है वो इसकी, सारणिक एक संख्यात्मक मान है, सारणिक संख्यात्मक मान है, सारणिक संख्यात्मक है जो वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित होती है, जो वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित होती है, या हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा, सारणिक एक विजीय व्यंजक है, विजीय व्यंजक है जिसके अवयवों को वर्गाकार विन्यास में जिनके अवयवों को वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता हो। ठीक है, सारणिक ये सेकंड परिभाषा है, सारणिक एक बीजीय व्यंजक है जिसके अवयवों को वर्गाकार विन्यास, विन्यास का मतलब के रूप में लिखा जाता हो, मतलब वर्गाकार के रूप में लिखा जाता हो, उनको हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। अब देखते हैं सारणिक और मैट्रिक्स का थोड़ा सा संबंध। जैसे हमारे पास कोई सारणिक ए, ये कोई सारणिक हमारे पास, ये क्या है, सारणिक है, तो हमने सारणिक को इससे प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है, सारणिक ए लिख देंगे। तो यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए, ये है हमारे पास 1 1 y की मैट्रिक्स कोई ए ये है, तो इसकी जो सारणिक है वो क्या हो जाएगी इसकी, कोई दिक्कत किसी को, यदि हमारे पास कोई, देखो ये तो मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, और ये क्या है, सारणिक है। सारणिक और मैट्रिक्स के बारे में जो संबंध है उसको बता रहा हूं। यदि हमारे पास कोई सारणिक, इसे उदाहरण भी लिख देता हूं, एग्जांपल संख्यात्मक रूप में 3, तो वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगी इसकी, सारणिक हो जाएगी 3, कोई दिक्कत है। मैं आपको इनको सॉल्व भी कराना बताऊंगा, 1 1 y मैट्रिक्स को कैसे हल करते हैं, 2 y 2 को कैसे करते हैं, 3 y 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इनका संबंध बता रहा हूं मैट्रिक्स और सारणिक का, पहला संबंध ही हो गया 1 1 y का। दूसरा देखते हैं, यदि कोई सारणिक हमारे पास है ए बी सी और डी,
ये कोई हमारे पास सारणिक है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो इसकी जो सारणिक है वो होगी, बस खाली चिन्ह चेंज करना है, ए बी सी और डी। जैसे एग्जांपल 2 3 4 6 ये है किसकी, ये है मैट्रिक्स है, तो इसकी जो सारणिक होगी वो होगी इसकी 3 2 3 4 6, ये इसकी क्या हो जाएगी, सारणिक हो जाएगी। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ये वाला पार्ट, ये आपके संबंध हैं मैट्रिक्स और किसमें, मैट्रिक्स और सारणिक। यदि हमारे पास सारणिक 1 1 y की है, यदि a है तो यहाँ पर ओनली चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये मोड नहीं है, ठीक है, ये मापांक नहीं है, ये क्या है, सारणिक का चिन्ह है। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, यदि आपसे कहें कि मैट्रिक्स ये है तो सारणिक क्या होगी, ये वाली। यदि हमारे पास मैट्रिक्स ये है तो सारणिक कौन सी हो जाएगी, ये। यदि आपसे कह दें कि 3 4 3 4 7 9 ये हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसकी सारणिक क्या होगी, तो सारणिक क्या हो जाएगी, ओनली 3 7 4 9, ये इसकी क्या हो जाएगी, सारणिक। समझ में आ गई होगी, तो इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। और मैं तीन वाली और बता देता हूँ, ये 1 1 1 y 1 की है, ये 2 y 2 की है, ये तो है 1 y 1 की, ये है 2 y 2 की, और अगली बनाऊंगा आपको 3 y 3 की। साफ कर देता हूं, अब 3 by 3 की मैट्रिक्स बता देता हूं आपको। देखिए 3 by 3 की जो मैट्रिक्स है 3 by 3 की, ये मैट्रिक्स है हमारे पास A बराबर A B C D E F G H I, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, मैट्रिक्स है, तो आप इसकी सारणिक क्या होगी, सारणिक के लिए आपको ओनली क्या चेंज करना है, सारणिक करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए बराबर 2 4 6 7 9 11 13 5 6 एक, तो इसकी जो सारणिक है वो सारणिक हो जाएगी इसकी 2 4 6 7 9 11 7 9 11 13 5 1। यदि आपको ऐसे दे दे कि वर्ग मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो इसकी सारणिक क्या होगी, तो देखो ये जो मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स की ही सारणिक हम बना सकते हैं, आयताकार मैट्रिक्स की हम सारणिक नहीं बना सकते। यदि आपसे कोई कहे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 1 5 3, इसकी आपको क्या बनानी है, सारणिक बनानी है, तो इसकी जो सारणिक आप कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करें, कहीं 2 4 6 1 5 3, ये आपकी सारणिक बन चुकी है। लेकिन ये सारणिक क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सारणिक कभी भी आयताकार फॉर्म में नहीं होती है, कभी भी आयताकार मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में चेंज नहीं किया सकता है, ठीक है। जब भी आयताकार मैट्रिक्स आ जाए उस आयताकार मैट्रिक्स को हम सारणिक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, बस वर्गाकार मैट्रिक्स को, वर्गाकार मैट्रिक्स को ही हम सारणिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि जो सारणिक है वो सारणिक वर्गाकार फॉर्म में ही होती है, अर्थात सारणिक वर्गाकार मैट्रिक्स से संबंधित होती है। समझ में आ गई होगी सबके। अब मैं आपको इनकी सारणिकों को हल करने के तरीके बता देता हूं। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हालांकि जहां तक मेरा मानना है समझ में आ रही होगी आपके।
और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, उनसे आग्रह है कि वो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करें। तो अब जैसे हमारे पास 1 1 y 1 y 1 की जो मैट्रिक्स है उसको हल करने का तरीका, जैसे हमारे पास 1 y 1 की मैट्रिक्स है, कोई सारणिक है, सॉरी अब तो डायरेक्टली सारणिक ही लिखेंगे, ये सारणिक है, ठीक है। तो इसका जो हल है, इस सारणिक का हल, तो इस सारणिक का हल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, a। जैसे कोई सारणिक है हमारे पास a, अर्थात तो उसका उदाहरण ले लिया हमने 6, तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे संख्यात्मक मान आएंगे वो डायरेक्टली 6 आएगा। ऐसे और ले लेते हैं मापांक, सॉरी सारणिक ले लिया 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 15। अब देखते हैं सारणिक देते हैं 2y2 की सारणिक का मान, जैसे हमारे पास कोई सारणिक है ABCD, ये सारणिक है, इस सारणिक का हमें मान निकालना है, इस सारणिक का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए इसका और इसका गुना करना है और इसके इसके गुने में से इसको घटाना है, हमेशा इस तरफ से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा इसका मान, ए सारणिक का मान क्या हो जाएगा, ए और डी का क्या करना है, गुना करना है और घटा किसको देना है, वी सी को घटा देना है, ठीक है। इन दोनों का गुना में से इन दोनों के गुना को घटा देते हैं, इन दोनों के गुना में से इन दोनों के गुना को घटा देते हैं, तो इसका मान ये आ जाएगा। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमारे पास सारणिक है 2 4 6 3, ठीक है 2 4 6 8। अब इस सारणिक का आपको मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 16 माइनस, ठीक है, इनका गुना करेंगे 6 4 24, ठीक है 6 4 24। अब इसको हम क्या करेंगे, सारणिक के बराबर इसको हम इसमें से घटा देंगे 24 में से, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8। कोई दिक्कत किसी को, जैसे और कोई भी हम मान निकालते हैं, कोई भी एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, सारणिक के बराबर 9 3 5 4, ये सारणिक है, इस सारणिक की आपको वैल्यू निकालनी है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 4 36 माइनस 5 3 15, ठीक है कितना बच जाएगा, 21। कोई दिक्कत किसी को, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, एक दो और उदाहरण बताता हूं। चलो पहले आपको 3x3 की बता देता हूं, थ्री बाई थ्री के उदाहरण आपको कल बताऊंगा, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं, 3x3 की सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, बिना प्रैक्टिस गणित क्या है, अधूरी है। आपने देखा होगा कि घरों में रोटी बनती है, रोटी को आप पलटोगे नहीं, ठीक है, जैसे हमने तवे पर रोटी रख दी, उसको पलटो मत, कम से कम नहीं तो 2 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसको आप उसको पलटो मत, तो वो 100% जल जाएगी। तो यही गणित का सिद्धांत है, यदि आप गणित को बार बार नहीं पलटोगे तो गणित भी क्या है, जल जाती है, अर्थात भूल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सोचते हैं कि वो क्यों नहीं भूलता है, हमेशा गणित प्रैक्टिस होती है, ठीक है, गणित हमेशा क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। जैसे हमारे पास कोई सारणिक है A V C D E F G H I, ये सारणिक है और इस सारणिक की हमें मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालना है। आपको क्या करना है कि कोई भी आप पंक्ति या स्तंभ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ ABC को, किसको ले लेता हूँ ABC को,
तो आप लेंगे तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर क्या लिखना है प्लस। अब मैं जौन सी पंक्ति ले रहा हूं उसको छिपा दूंगा। अब देखो आपको 2x2 की ही मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं फर्स्ट बार ए को लेता हूं। किसको लेता हूं? ए किस में है? प्लस में है। अब देखो ए लिया है तो ए वाली लाइन पूरी उसके इधर और इधर पूरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो देखो इधर पूरी ये खत्म, पूरी इधर ये खत्म, क्या बच गई? 2x2 की बनानी है तो क्या बच गई हमारे पास? ई एफ एच आई। अगली हम लेते हैं V वाली लाइन। कौन सी लेते हैं? V। तो V कैसा है? माइनस में है। अब इसकी B की भी हमें 2x2 की सारणी बनानी है। देखो आप कोई भी, ठीक है, इस सारणी के अंदर कोई भी तीन अवयवों की 2x2 की सारणी बनानी है। तो देखो मैंने पहले एक ही बनाई है, एक ही सारणी बनाई, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म होगी, जो बची है वो 2x2 की सारणी बनी है। अब मैं जैसे मैं बी की लेना चाह रहा हूँ, तो बी के लिए तो बी वाली लाइन कटेंगी, तो देखो बी वाली लाइन ये वाली कट जाएगी और ये वाली कट जाएगी, जो बची है वो 2x2 की बी वाली सारणी बन जाएगी। तो क्या बची है? डी, और इधर क्या बचा है? एफ, इधर क्या बचा है? जी, और इधर आई। अगली मैं लेता हूँ सी की, ठीक है। आप कोई भी पंक्ति, कोई स्तंभ की ले सकते हैं, मैंने ये लिया है, कोई जरूरी नहीं, आप इसकी भी ले सकते हैं, इसकी भी ले सकते हैं, इसकी भी ले सकते हैं, इसकी भी, कोई की भी, आपको 2x2 की सारणी बनानी है। तो मैं ए बी सी की 2x2 की सारणी बना रहा हूँ। तो देखो अब हमारे पास क्या है? सी प्लस में है, तो देखो सी की सारणी क्या आ जाएगी? सी वाली लाइन कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, क्या बच गई हमारे पास? सी की 2x2 की आ जाएगी डी ई और जी एच। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2x2 की हम सारणी सॉल्व करना जानते हैं। हमेशा जब भी 3x3 की सारणी आ जाए तो उसको हमें 2x2 की सारणी में चेंज करना है। अब बताओ ये 3x3 की जो सारणी थी इसको हमने किस में चेंज करने आया है? 2x2 की सारणी में। और 2x2 की सारणी को हम सॉल्व करना जानते हैं, इसका गुणा और इसके गुने में से इसको घटाना है, इसके गुने में से इसके गुने को घटाना है, इसके गुने में से इसके गुने को हम घटा देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको कल बताऊंगा। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।